हाय दोस्तों, मेरा नाम देवर अग्रवाल है और मेरे साथ में है दुर्गेश कुमार सोनी एसआई टेलीकॉम की तरफ से। यहाँ पर हम आपको आज दिखाएंगे कि क्यों जरूरत है विंडो 7 की, जो एक टेक्नीशियन के लिए है। और ये अगर आप प्रो हैं ऑलरेडी, आपको ड्राइवर में कोई मसले नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। पर अगर आप बिल्कुल शुरुआत है और अगर आप कर रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं और सीखने की ललक है, तो ही वीडियो देखिएगा। अदरवाइज कोई भी ऐसे वीडियो को बिल्कुल मत देखिए जिनको लगता है कि वो सॉफ्टवेयर की दुनिया में खुदा है। तो हालांकि खुदा कोई भी नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्यों हम विंडो 7 की, सबसे पहले हमें इसको टॉपिक बहुत अच्छा है और आपको वीडियो बनाने के लिए हम यही कोशिश करेंगे कि एक एक कंटेंट दिखाएं कैसे। और ये वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि विंडो 7 को किस तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें ये जो इंस्टॉल करेंगे हमारे सर दुर्गेश सर इंस्टॉल करेंगे। और ये आप जो वीडियो यहाँ देख रहे हैं, साथ में आप स्मार्ट वन टेलीकॉम में भी देख सकते हैं। नीचे इसको आपको लिंक मिल जाएगी इनके यूट्यूब चैनल की, तो आप वहाँ जाके इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मसला किधर आता है और क्यों जब हम इसको विंडो 7 डाल लेंगे तो क्या इसमें आप अपडेट देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर। दुर्गेश सर, आप ये बताइए अभी आप क्या दिखाएंगे कि जनरली जो दुकान पे जो बच्चे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि आप ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, फिर भी किसी कारणवश वो ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुए, तो वो ड्राइवर आपका पोर्ट नहीं बनाएगा। जैसे देखिए, ये विंडोज 10 है तो इसमें आपका पोर्ट नहीं दिखेगा। इसमें पोर्ट तभी दिखेगा जब आपका कोई भी डिवाइस कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हम एक मैंने कॉलकॉम का फोन है, कॉलकॉम का डिवाइस है, तो हम इसे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या दिखता है इसमें। कनेक्ट करते हैं वही अपना वॉल्यूम अप एंड डाउन से। ये आपका ऑन ऑन डिवाइस करके आ रहा है, क्योंकि अगर आप कॉलकॉम के ड्राइवर प्रॉपरली चला दी या तो इनकेस करप्ट ड्राइवर है तो वो आपका सपोर्टेबल नहीं रहता है। तो हम आपको पहले इसीलिए दिखा दिया हमने कि कॉलकॉम का फोन है, मैं वॉल्यूम अप और डाउन से इसको कनेक्ट किया। आइडियल मोड पे कनेक्ट होता है 9008। तो दोस्तों, ये आपको ड्राइवर प्रॉपरली नहीं डालना होगा। हम विंडोज 7 प्रॉपरली पूरा इंस्टॉल करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे बूट करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें। अभी इसमें ड्राइवर नहीं है, फिर भी हम आपके सामने लाइव हैं और आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे, आपको कोई भी ड्राइवर फिर से नहीं डालेंगे, फिर से यही फोन आपको दोबारा से कनेक्ट करके दिखाएंगे दोस्तों। मतलब सीधे कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल हमारे विंडो होते हैं उसमें हमें पूरा ड्राइवर अगर हमारा ऑटोमेटिकली नहीं आया तो मैन्युअली डालना पड़ता है, जो स्टूडेंट लोग को डालते नहीं आ पा रहा है इनकेस में किसी कारण। तो अगर वो विंडो हमारा 7 यूज करते हैं तो उसमें कुछ भी ड्राइवर डाले की टूल, कोई भी ड्राइवर, जैसे कभी कभी हम टूल को लेके नहीं चलते हैं, कभी भी क्या होता है ड्राइवर भी हमारे मसले करते हैं। ड्राइवर को लेके टूल हम बात करें तो टूल भी कभी कभी एरर करता है। तो इसमें जो टूल दिए गए हैं, ड्राइवर दिए गए, सपोर्टेबल दिए गए हैं, मतलब इन केस वो काम नहीं करेंगे। इनमें तो आप ड्राइवर और टूल का मसला हो सकता है, बट उसमें नहीं है, जो कि आपको लाइव दिखाएंगे। और ये भी बताएंगे कि अगर ये विंडो कोई अपने घर पे इंस्टॉल कर रहा है तो किस तरीके से प्रॉपरली उसको बूटेबल स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, बूटेबल इंस्टॉलिंग, क्योंकि इसमें भी पैसे की कमाई है। क्या कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं इससे? इसमें आप हमारे लिंक में दिया जाएगा नंबर, जो भी सर है। नहीं, जैसे कि अगर आपके पास दुकान में आप विंडो 7 विंडो 10 को डाल रहे हैं, इंस्टॉल करना भी बूटेबल की, वही मैं बोलना चाह रहा था कि आपको सीडी डीवीडी जो भी या पेन ड्राइव दी जाएगी उसमें आप दूसरे को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वन टाइम नहीं। आप हमसे बूटेबल यूएसबी लीजिए, फिर आप दूसरे को इंस्टॉल करिए, बाद में आप अपना अपडेट 7 खरीद लो, आप अपना नॉर्मल 10 खरीद लो और आप नॉर्मल कस्टमर के में भी आप ये डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, ये हम विंडो आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये नॉर्मल विंडो है जो बेसिकली एक आता है। अब हम इसमें हमने ये बूटेबल पेनड्राइव बना के रखी हुई है, जो कि आपको मिल जाएगी नीचे लिंक में, आपको दिए होंगे नंबर, आप उनको कॉल या व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले इस विंडो इसको हम लगाते हैं इधर और इस विंडो को करते हैं रिस्टार्ट को। इसको जो बूट की होती है पीसी की और जो हमारे नॉर्मल लैपटॉप की, तो उसमें क्या मतलब एक कॉमन बूट की होती है, क्योंकि अलग अलग होती है फिर भी सबकी बूट की अलग अलग है। ये विंडोज 10 है तो मैं प्रॉपर विंडोज 10 की बता दूं, तो विंडोज 10 की बूट की है F10। और अगर यही चीज दोस्तों मैं बता दूं कि पीसी की है, तो पीसी में मैं F2 और डेल भी यूज कर सकते हैं, डिलीट का बटन, उसको डेल बोलता है एक्चुअली में, F2 यूज कीजिएगा। बायोस मतलब आपको सबसे पहले बायोस में जाना है। जी चलिए इसको आपको पार्टीशन, तो सबसे पहले इसको रीस्टार्ट दबा के बायोस में ले जाइए इसको। तो देखिए हमने, हाँ, इसको हम F10 करके इसको बूट करेंगे बिल्कुल, और उसको बायोस में दिखाएंगे कि आपको बायोस में किधर जाना है, करना क्या है। ये आपको बेसिक दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको वीडियो में प्रॉपरली नहीं बताई जाती है। हम चाहे तो इसको विंडो 7 प्रॉपर करके दिखा देते हैं, बट आपको पूरा दिखा रहे हैं। सही बात कि है। जो एकदम फ्रेशर है, जिनको अगर करना है तो वो, ये देखिए F10 दबाया हमने, ये आपका खुल गया इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस खुल गया। फिर आपको जाना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस में और उसके बाद में बूट ऑप्शंस में जाना है आपको और उसको एंटर दबाना है।
और उसके बाद में लेगेसी बूट ऑर्डर में जाना है। लेगेसी बूट रेटर में जाके आपको यूएसबी का आपका 3 या 4 नंबर में हो सकता है दोस्तों, तो आपको इसको 1 में करना है। 1 में करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल नोट पैड वाला आपको आपका यूएसबी है फॉर एग्जांपल, सो इसको आपको ऊपर कैसे लाना है, क्या बटन दबाना है? F5 देखिए नीचे लिखा होगा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कहीं पर F5, ये सिंच वैल्यू ये लिखा है, ये लिखा हुआ 5 और 6 चेंज, मतलब आप वैल्यू मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप और डाउन। अब जैसे इसको अप डाउन करो जरा, जैसे हम F5 दबाते हैं तो देखिए वो नीचे चला गया, नीचे चला गया, और F6 दबाएंगे फिर से ऊपर आ जाएगा जगह पे। वैसे ही आपको ये जो यूएसबी आपने लगा के रखा हुआ है तो फर्स्ट पे रखना है आपको, क्योंकि आपका जो मेन है वो है यूएसबी डिस्क वाला, ठीक है, इसको फर्स्ट में रखना। उसके बाद में क्या करना है, F10 दबाना है, इसको सेव करना है आपको, F10 यहाँ पे लिखा भी हुआ दोस्तों F10 एग्जिट, ठीक है, तो F10 दबाएंगे और यस एंटर कर देंगे, तो ये बूटेबल आपकी जो पेन ड्राइव है वो डायरेक्ट बूट करेगा, आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके साथ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हम कर रहे हैं एक मोबाइल है जिसमें प्रॉब्लम है कि इसका कि ये पावर की दबाने के बाद में ये स्लीप मोड से हट जाता है, और जब तक ये चलता है तब तक सही है, जब से पावर की दबाएंगे तो स्लीप मोड पे आ जाएगा, स्लीप मोड से ऑन नहीं होगा। तो CPU भी मेनली इसका होता है रिवॉल्व करना होता है, जो कि वही चीज़ रिवॉल्व की जा रही है यहाँ पर। और आज आपको खास एक बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना सुनाई दे रहा होगा, ये खास एकदम दुकान वाली टाइप की फीलिंग है, हालांकि काम के साथ साथ होना भी चाहिए, काम के साथ होना चाहिए, पर इसमें अपन को वो आ सकता है, इसको रोक दो, वो आ सकता है इसमें, वो आ सकता है ना यार, वो हो तुम वो तो समझ रहे तो दोस्तों ये आपने कॉपीराइट्स आता है बेसिकली, इसे नहीं लगा सकते। चलिए ठीक है, तो बताइए अब इसे नो करना है, क्योंकि ये अपडेट करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप उसको अपडेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो हमें अपडेट नहीं करना है, तो हम नो दबाएंगे और एंटर करेंगे। सबसे खास बात आपको मैं बता दूं कि ये हमारे खुद के द्वारा ऐसे टेलीकॉम का आप लोगों देख सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन हम किसी दूसरे का नहीं बेच रहे। तो यहाँ पे आप खास देख रहे हैं कि इंडिया में एसर टेलीकॉम हमारा खुद का हमने सॉफ्टवेयर बनवाया है अपने इंस्टीट्यूट के लिए, हाँ, और अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, बाकी जो हेटर्स हैं उनके लिए तो जिंदगी में सब कुछ ही है यहाँ पर, और हम तो बोलते हैं। अब सबसे पहले दुर्गेश सर क्या करना बताइए, सबसे पहले यहाँ पे आपको लैंग्वेज कंट्री पूछता है कि आपको लैंग्वेज कौन सी लेनी है, तो लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही लेनी है और यूएस ही सिलेक्ट करना है आपको, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, तो एंटर दबाएंगे, वो ले लो, ये ले लो, ये आपने नेक्स्ट बटन पे दबा दिया और थोड़ा वेट करेंगे इस पे। ये आपको पूरा प्रॉपर इंस्टॉलिंग बता रहे हैं दोस्तों, विंडोज 7 की प्रॉपर इंस्टॉलिंग। फिर आप थोड़ा देख रहे होंगे यहाँ पर विंडोज का एप्पल का सब तरह का लोगो आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, ज्यादातर आप जहां तक इंस्टॉल करते हैं सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, तो सी ड्राइव में सबसे पहले आप उसको फॉर्मेट करना है, क्योंकि पहले से उसमें विंडोज डले हुए होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्राइमरी यहाँ पे प्राइमरी 2 दिख रहे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें आपका जो पार्टीशन होता है आपको प्राइमरी आपके लैपटॉप डीसी पीसी में जो भी होगा उसमें प्राइमरी ही होगा, तो ये प्राइमरी आपका सी ड्राइव होता है, तो इस सी ड्राइव को आप फॉर्मेट करेंगे सबसे पहले, मतलब हम यहाँ पे प्राइमरी ढूंढ लें अपना, और जो सबसे पहला प्राइमरी है हम उसको फॉर्मेट करके कर सकते हैं, बाकी हम नॉर्मल सी ड्राइव भी देख सकते हैं कितना जीबी का पार्टीशन है वो, जी है ना, तो फॉर्मेट पे टिक करेंगे और ओके करेंगे। सो देखिए वो फॉर्मेट कंप्लीटली यहाँ पर अगर हम देखें हो रहा है अभी, तो देखिए कंप्लीटली फॉर्मेट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट तो अब यहाँ पे उसी में ये विंडो अब लोडिंग हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जैसे ये 2 बार बूट करेगा, जैसे ये 50% पे आ जाएगा तो फर्स्ट बूटिंग करेगा, उसके बाद में ये वापस यहीं से री इंस्टॉल होगा, मतलब इसी के बाद में आफ्टर इंस्टॉल होगा, और ये जब सेकेंड बूट करेगा तब ये और पूरा की पूरा विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, जैसे ही एक बूट करता है मैं आपको इसके लिए आगे दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए दोस्तों अभी तक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ आधे तक पहुंच गया है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंस्टॉलिंग चल रही है, अपडेट हो रहे हैं यहाँ पर, और ये इंस्टॉलिंग बहुत बड़ी है, क्योंकि ये कम से कम आपको नॉर्मल जो विंडो लेता है 15 से 20 मिनट या उससे भी कम, ये आपको लेगा कम से कम 1 घंटा, क्योंकि इसकी खास बात ये पूरे ड्राइवर इंस्टॉल करता है एक एक करके। अब देखिए मैंने कहा था ना कि पहले ये बूट लेगा, तो ये फिर से बूट ले रहा है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। देखिए हमारी ये पेन ड्राइव लगी हुई है, तो देखिए दोस्तों इन्होंने सेकेंड बूट कर लिया है, और सेकेंड बूट में ये सेटअप इज अपडेटिंग आ रहा है। आप अनुमान क्या कर सकते हैं कि जैसे ही सेकेंड बूट करे आप अपना पेन ड्राइव को 1 सेकेंड के लिए निकालिए और बूट होने दीजिए, उसके बाद वापस लगा लीजिए, नहीं तो होगा क्या कि वो वापस वही सेटअप वापस चालू होता रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा पेज वॉलपेपर चेंज हुआ है, यहाँ पे एप्पल का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एंड्रॉइड का लोगो दिखाई दे रहा होगा,
अभी ये हमारा लास्ट फिनिश सेटअप है, जैसे कि आप देख रहे, देखिए बिल्कुल यहाँ तक आ चुका है। अब ये यहाँ आने में थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि अभी होंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा ड्राइवर्स इंस्टॉल। तो ये मैन्युअली जो ड्राइवर हम इंस्टॉल कर करके थक जाते हैं या जो हमें पता ही नहीं है सही फाइल क्या है। देखिए दोस्तों, ड्राइवर बहुत सरल है, सिर्फ वन क्लिक में सेटअप चला दो, बट वो तब तक सरल है जब तक सही ड्राइवर मिल रहे हैं। जहाँ आप लोगों को ड्राइवर ही सही नहीं मिलते हैं, लोग अलग अलग फाइल चला रहे हैं, उनको ड्राइवर का सही नॉलेज नहीं है। सिर्फ यूट्यूब में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता है, हाँ इतना सीखा, अपडेट जरूर हुआ जा सकता है। जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं बिल्कुल हमसे जीरो से बेसिक से एडवांस लेवल पर सीखते हैं, पर और एडवांस पे जाने के लिए उनको यूट्यूब का सारा जरूर लेना होता है क्योंकि वहां से वो और अपडेट होते हैं। और मैं आपको बता दूं तो अपडेट होने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप कहीं दूसरी जगह भी जाते हैं तो वहां से भी अपडेट आप हो सकते हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही सेटअप यहाँ पर रनिंग होता है मैं आपको फिर कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे सेटअप देख रहे हो किसी, और यहाँ पे आप देख रहे हो एक विंडो सीएमडी, तो इसमें जेन्युइन विंडो का भी जो आता है एरर वो भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम करें, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एडमिन के सारे यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विंडो 7 H64 फॉर मोबाइल टेक्नीशियन, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन, और स्पेशल एक एस एडिशन है, ये स्पेशल एडिशन है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेस एंटर एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब मैं एंटर दबा देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे, देखिए सबसे पहले इंस्टॉलिंग हो रहा है फ्रेमवर्क, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। और जैसे कि आप क्यूफिल या क्यूपीएसटी जब आप यूज करते हैं टूल, या फिर कोई भी आप सेटअप ऐसे यूज करते हैं जो हम डायरेक्टली सी में इंस्टॉल होते हैं, तो जनरली उसको चलने के, सेटअप को चलने के लिए हमारे सिस्टम में फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, नहीं तो वो उसका एक एरर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको टूल का एरर समझते हैं, तो आप देखिए कि ये कंप्लीटली इतने सारे टूल्स को ये लेते हुए जाएगा कि आपको खुद इतना बहुत बेनिफिट यूज होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिनको दिक्कत आ रही है, सॉफ्टवेयर नया नया चालू किए हैं, कहीं से सीख कर आए हैं। बाकी अब मैं अगर आपको सारी चीज आती है तो ये विंडो आपके लिए नहीं है। और दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि ये विंडो में आपको और भी जगह पे मिल जाएगा, हमसे सस्ते मिल जाएगा, पर क्या पता वो स्पेशल एडिशन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात, क्या पता कि उसमें वायरस हुआ, या क्या पता उसने आपको धोखा दिया, आपके पैसे ले लिए और आपको विंडो नहीं दिया, तो ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। इसलिए कोशिश करें, जेन्युइन लें, आप जो मैं नीचे ये नंबर आपको दे रहा हूँ वहां से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो दो नंबर है आप उनको कॉल की, आप उनको कॉल मत कीजिए, आप उनको व्हाट्सअप कीजिए, सीधे उनको व्हाट्सअप करें। आप लिखें अपना नाम और लिखें कि सर, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिस भी आप ये चैनल में देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लिखे कि सर हमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हमें विंडो चाहिए, हमारा नाम ये है, और आपको विंडो मिल जाएगा। कितने रुपए में मिलेगा, बहुत सस्ता है प्लस, तो वो आपको व्हाट्सएप में हम बता देंगे। सो देख रहे हैं आप, जैसे कंप्लीटेड 13% है, 1% हो चुका है, और यहाँ पर इंस्टॉलिंग फ्रेमवर्क अभी चल रहा है, धीरे धीरे आएगा। थोड़ा सा हम इसको और वेट करके आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा और हो जाने के बाद में स्टॉप कर लो जरा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हर एक ड्राइवर, अभी इससे पहले दोस्तों हमने आपको नहीं दिखा पाया, इससे पहले HTC के ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे थे, अभी ये सारे मोबाइल के ड्राइवर मैनुअली और सारे इंस्टॉल हो रहे हैं दोस्तों, वन बाय वन सारे दोस्त इंस्टॉल हो रहे हैं। क्योंकि ड्राइवर, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आता है, अभी देखिए आपको, ये देखिए मैनुअली इंटेल सब ड्राइवर मोबाइल के ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं। इंटेल के कोई ड्राइवर है दोस्तों, वो सारे दोस्तों कोई भी ड्राइवर आपको नहीं इंस्टॉल करना है, सारे ड्राइवर अमूमन आईफोन, ब्लैकबेरी, LG MI, कॉलकम, जो भी ड्राइवर हैं सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे। और थोड़े बड़े जो भी आपको बता दूं, जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में आपकी एरर आती है, जैसे टूल में एरर आता है, ड्राइवर में कोई एरर आता है, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और 2 से 3 मिनट के टाइम लेगा इंस्टॉलिंग ड्राइवर, जो ये मोबाइल के ड्राइवर हैं दोस्तों। जैसा कि देख लीजिए ये ड्राइवर हैं, ठीक है, हम इंस्टॉल करेंगे एनीवेज। हर एक ड्राइवर प्रॉपरली तरीके से डाउनलोड हो रहे हैं, चाहे वो मीडियाटेक, कॉलकम, स्पेक्ट्रम, चाहे वो कोई भी ड्राइवर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी ड्राइवर हो, एक बात हमेशा याद रखना,
कभी बदसूरत नहीं होती। देखिए फिर से ड्राइवर को, हर एक ड्राइवर को इंस्टॉल हो रहा है, ये भी आपके मोबाइल फ़ोन के ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोबाइल फ़ोन के जितने भी ड्राइवर हैं, MI, कॉलकम, स्पेक्ट्रम, जो भी है दोस्तों, ये सारे फ़ोनों के इंस्टॉल हो रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि प्रॉपरली सारे ड्राइवर हम आपको पूरे सब कुछ दिखा रहे हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे क्या क्या ड्राइवर डाउनलोड हो रहे हैं। फिर आपको बिना ड्राइवर को लोड किए हुए हम आपको इसमें एक फ़ोन कनेक्ट करके दिखाएंगे, जो कि हमने आपको शुरू में एक फ़ोन दिखाया था कि कोई भी पोर्ट नहीं बना रहा था कॉलकम का। अब इसमें देखते हैं कि बिना ड्राइवर को डाले ये पोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता है। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये आपका फाइनल टचअप हो गया है। सारे आपके ड्राइवर हम तो नहीं दिखा पाए, बट सारे ड्राइवर हुए हैं यहाँ पे, प्रॉपर इंस्टॉलिंग चल रही है। दोस्तों ये लास्ट सेटअप चल रहा है उसका, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, कुछ ड्राइवर आपको दिखाए हैं। तो इसमें सारे ड्राइवर, अमूमन जो टूल भी होते हैं दोस्तों, तो इसमें टूल का भी एरर नहीं आएगा और ड्राइवर तो एरर आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर जो सेट के ड्राइवर हैं, जो भी मॉडल वाइज ड्राइवर होते हैं, ओप्पो, वीवो, एप्पल, आईफोन, ब्लैकबेरी, जो भी है। ये देखिए दोस्तों आपका ये फाइनल सेटअप, डेस्कटॉप आ गया, आइकन आप देख सकते हैं ये कि विंडोज 7 का सेटअप आ चुका है। तो अब हम सेम चीज फिर से करेंगे यहाँ पर। अब देखिए बिल्कुल आपके सामने सेटअप हुआ है अभी, बिल्कुल ये कोई वीडियो को कट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट सेम यही मोबाइल को हम वापस आपको पोर्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं और सीधे पोर्ट बनाते हैं और देखते हैं कि पोर्ट बनता है कि नहीं बनता है। यही तो इस खासियत है इस विंडो की, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर, हमने वापस यहाँ पे फोन ले लिया है और अब हम पोर्ट बना के देखेंगे यहाँ पर। और देखिए डिवाइस मैनेजर हमने ओपन करके रखा हुआ है ये दिखाने के लिए, इसको हटा दो। अब देखिए यहाँ पर हम पोर्ट देखेंगे, यहाँ पे पोर्ट बन रहा है कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर डायरेक्ट। अब देखिए लगा रहे केबल, इंस्टॉलिंग डिवाइस कर रहा है। तो देखिए इंस्टॉलिंग डिवाइस कर रहा है, सोने देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर अगर हम पोर्ट की बात करें तो कॉलकम का HS USB QD लोडर 9008 ले लिया है। तो यही खासियत है इस विंडो की कि आपने देखा एक अनोन पोर्ट से एक खास विंडो ने, इसका डेस्कटॉप देखा, खास विंडो ने यहाँ पे आप देख लेंगे, जो कि एशिया टेलीकॉम के लोगो के साथ में है, जेन्युइन विंडो है और काफी अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। खैर ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया। सो चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और अगर आपको नहीं खरीदना हो, किसी दूसरे भाई को खरीदना, तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा दोस्तों और बहुत ज्यादा आपका टाइम बचेगा सॉफ्टवेयर करने में, क्योंकि आपको कोई भी ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं है, सीधे अपने टूल जो भी नए हैं डाउनलोड कर लीजिए, हालांकि टूल इसमें भी बहुत सारे हैं। और इसी तरह वीडियो को बने रहिए। अगर आपको ये चाहिए तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, आप उनको व्हाट्सअप कीजिए और वो आपको ये बहुत आसानी से आपको ये परचेस दे देंगे, आपको ये घर तक आपको कुरियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? आपको बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के, यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोल चाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकली सिग्नल, अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मानूंगा, लेकिन यहाँ आके आपको पता चले EN सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। अब मुझे हाथ जमाने के लिए MMC और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने MMC के लिए यही चुना कि यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो MMC भी बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल, पुराना मोबाइल, डेड बूट रिपोर्ट, हेल्थ बेड रिपोर्ट, जो भी एरर आते हैं MMC में वो सारे कंप्लीट होगा। उसके बाद अब आज की कंडीशन में मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको MMC निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, FRP MI अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, ISP पिनआउट द्वारा भी कर सकते हैं, बिना डेड रिक्स के JTAG और UFI दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को बहुत किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं, A3S किया है, 6A किया है, तो कैसा पेसेंट ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं। अगर कोई MMC का
पिन उखड़ गया, मान लो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया, उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं। कुमार को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये MMC करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को IC रिवॉल्विंग वगैरह जो MMC है सब कुछ हम यहाँ पर। एक बार ताली बजा दो इन्होंने, परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बायर लग चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो स्टेटस भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेगी, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था आया था सर, रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के IC को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका EMMC और CPU निकाल करके दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया मेरे को पता लगा जो
इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ बोलते हैं कि डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लें, मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, मतलब ये नहीं बोलते हाँ हमें बोलना है कि इंडियन के लिए बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चीज को चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल मुझे खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे की मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.